स्वागत है आप सभी का आरबीट्यूब क्लास में तो गाइज आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये क्लास की मैथ से एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोर कामा माइनस वन एंड माइनस टू कामा माइनस थ्री यहां पर एक वर्ड है ट्राई सेक्शन इसका मतलब होता है तीन इक्वल इक्वल पार्ट है ना कोई भी लाइन है लेट अस सपोज दिस इज अ अ लाइन एंड देयर इज टू पॉइंट व्हिच डिवाइड्स दिस लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स सो द पॉइंट्स आर पी एंड क्यू तो दिस यानी कि ए पी पी क्यू एंड क्यूबी आर इक्वल ओके दिस इज द मीन्स ऑफ ट्राई सेक्शन यानी कि तीन इक्वल पार्ट तो यहां पर हमें जो ए है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं फोर का माइनस वन जो बी है इसके भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं माइनस टू का माइनस थ्री लेकिन हमसे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं तो इस केस में मैं बताऊं कि इसको करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करेंगे कितने दो पार्ट में कैसे मैं बताता हूं सबसे पहला जो आइडिया इस्तेमाल करेंगे ये ए बी होगा और यहां पर हम पी को केवल कंसिडर करेंगे पहले पार्ट में तो जैसे कि ये तीन इक्वल इक्वल पार्ट है अगर हम इनका रेशियो देखें तो वन रेशियो वन रेशियो वन होगा तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे वन रेशियो और इधर वाला पार्ट हो जाएगा टू रेशियो तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि जब हम पहला पार्ट करेंगे तो उसमें वन रेशियो टू लट करेंगे लेकिन सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा जब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे जैसे मान लो ये ए बी है यहाँ पर हम क्यू को लेंगे तो ये हमारा टू रेशियो वन हो जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये वन वन रेशियो है वन वन क्योंकि इक्वल है तो हम ऐसा कर सकते हैं ये वन प्लस वन टू हो जाएगा और इधर वन हो जाएगा तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कैसे करना है तो चले फिर स्टार्ट करें सॉल्यूशन। लेट लेट ए एंड बी आर द पॉइंट्स of line segment ab let p be the point which divides the line segment इन टू वन रेशियो टू ओके दिस विल बी एम वन एंड दिस विल बी एम टू तो यहां पर जो लाइन सेगमेंट है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है वन रेशियो टू में डिवाइड हो रही है हम पहला पार्ट कर रहे हैं सो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला में यहां पर यूज करेंगे पी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू पी एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन ओवर एम वन प्लस ये फार्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है इफ यू ट्राई मोर क्वेश्चन लर्न दिस फार्मूला सो इंस्टेड ऑफ लर्न दिस फार्मूला यू ट्राई मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सो हियर आई पुट द वैल्यू एम वन स्टैंड फॉर वन Into x2 stand for minus 2 plus m2 2 and x1 4 over 1 plus 2, comma m1 1 y2 minus 3 plus m2 2 into y1 minus 1 over 1 plus 2. Okay, so after that I find minus 2. है ना प्लस साइन माइनस साइन मल्टीप्लाई बिकम माइनस टू वन जा टू प्लस टू फोर जा एट ओवर वन प्लस टू थ्री काम प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस टू वन जा टू ओवर थ्री सो नाउ व्हाट आई गॉट पी माइनस टू प्लस एट जो नंबर है वो बड़ा है प्लस का तो यहाँ पर साइन प्लस का आ जाएगा एट माइनस टू करेंगे तो हमारे पास सिक्स आ जाएगा प्लस राइट करने की जरूरत है नहीं ओवर थ्री दिस इज माइनस फाइव ओवर थ्री सो ही पी थ्री वन जा थ्री थ्री टू जै सिक्स टू का मा माइनस फाइव ओवर थ्री ये जो होगा ये कोर्डिनेट हो जाएगा हमारा पी पॉइंट का पी एक्स कामा वाई सो इतना आप राइट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नाउ लेट द पॉइंट Q डिवाइड the लाइन सेगमेंट into टू रेशियो वन देन देखो हमने एक बार सेक्शन फार्मूला लिख दिया दोबारा हमको सेक्शन फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की जरूरत है ठीक है तो यहां पे पुट करेंगे क्यू एक्स एक्का वाई इज इक्वल टू क्यू तो यहाँ पर हमारे पास अब जो एम वन है देखो ये हमारे पास एम वन है और ये हमारे पास एम टू है तो एम वन जो हमारे पास वो टू है इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू फोर ओबर टू प्लस वन कौन वाई के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टू इंटू माइनस थ्री प्लस वन इंटू माइनस वन ओबर टू प्लस वन इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस इंटू माइनस माइनस टू टू जो फोर ओवर थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस टू थ्री जा सिक्स प्लस इंटू माइनस माइनस वन ओवर थ्री ओके सो क्यू दिस माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल आउट बिकम जीरो ओवर थ्री दिस बिकम सेवन ओवर थ्री साइन दोनों का सेम है तो नेगेटिव आ जाएगा क्यू देखो अगर हम जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा और ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस सेवन ओवर थ्री ओके तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्यू एक्समा वाई सो फाइनली वी राइट द फाइनल आंसर दस द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शंस आर टू का माइनस फाइव ओवर थ्री एंड जीरो का मा माइनस सेवन ओवर थ्री तो दिस विल बी आवर आंसर तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों को भी शेयर कर लें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ठीक है हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ तब तक लेक यू क्लास